हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हम आपको बनाकर दिखाएंगे सोया मटर मेथी मिथोरी आलू की सब्जी। तो फ्रेंड, मेथी तो सर्दियों में सभी लोग बना करके खाते हैं, ये आसान सब्जी होती है। तो आज हम कुछ अलग तरीके से बनाएंगे जो हमारे घर पर बनती है, इसी तरीके से जो मैं बनाती आ रही हूँ, देखती आ रही हूँ। तो उसके लिए फ्रेंड, इस तरीके से हम सोया मेथी ले लेंगे। तो इस तरीके से इसको मैंने अच्छे से खराब पत्ते हटा दिए, इसके गले हुए पत्ते थे वो हटा दिए, उस तरीके से साफ कर लिया है। और उसके बाद अब हमें इस तरीके से मेथी को हाथों से पकड़ करके काट लेना है बारीक बारीक। तो हम इस तरीके से चाकू से बारीक बारीक काट लेंगे। और उसके बाद काटने के बाद इसे 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धोएंगे, क्योंकि हमारी मेथी हरी सब्जी होती है, उसमें मिट्टी वगैरह ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से हमें धो लेनी है 2 से 3 बार। और उसके बाद आलूओं को भी काट करके हम धो लेंगे। तो फ्रेंड, मेथी के पत्ते जो होते हैं उनको नियमित रूप से डाइट में भी शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं और ये हमारे पाचन तंत्र को मजबूत भी बनाती हैं। तो इस तरीके से इसे हम खा सकते हैं। तो इस तरीके से आलूओं को हमने कट कर लिया है और मेथी को इस तरीके से धो लिया है। इस तरीके से धोने से क्या होता है फ्रेंड, कड़वी मेथी बिल्कुल नहीं लगती है और ना हमारी सब्जी बिल्कुल कड़वी बनेगी। तो इस तरीके से हम साफ करके धो करके इसको ले लेंगे। और उसके बाद हमें ले लेनी है ये चना मूंग दाल की, इस तरीके से बड़ी, जिसे हम मिथौरी बोलते हैं। और इस तरीके से मटर ले लेनी है और ये 8 से 10 लहसुन की कलियां लेनी है, इनको बारीक काट लेना है हमें। अब कढ़ाई में डालेंगे ऑयल, ऑयल को कर लेंगे अच्छे से गरम। और गरम ऑयल के करने के बाद अब ये हमने ये मिथौरी ली है बड़ी, इनको डाल दूंगी इस तरीके से। और इसको इस तरीके से चलाते हुए मीडियम आंच पे हल्का ब्राउन होने तक इस तरीके से भून लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से ब्राउन हो गई हैं, भुंज गई हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी एक बर्तन में इस तरीके से। और उसी ऑयल में अब हमें डाल देना है जीरा। तो इस तरीके से जीरा डाल देंगे। जीरा भुंजने के बाद अब हम डाल देंगे लहसुन, और लहसुन को भी अच्छा से भूनेंगे ब्राउन होने तक इस तरीके से। अब मैं इसमें डाल दूंगी आलू। तो आलूओं को इस तरीके से डालकर मिक्स करूंगी चलाते हुए इस तरीके से। और उसके बाद ये मैंने मिथौरी भून कर रखी हैं बड़ी, इनको भी डाल दूंगी। और ये मटर है, मटर को भी डाल दूंगी। और उसके बाद इनको चम्मच से चला के मिक्स कर दूंगी इस तरीके से। इस तरीके से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी ये हल्दी। तो हल्दी इस तरीके से डालने के बाद अब मैं डाल दूंगी इसमें लाल मिर्च पाउडर। इसमें ज़्यादा मसाले भी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से अब मैं इसको चम्मच से मिक्स कर दूंगी। और उसके बाद इस तरीके से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी स्वाद अनुसार नमक। तो इस तरीके से नमक डाल देना है और नमक को भी हम मिक्स कर देंगे इस तरीके से। और अब मिक्स करने के बाद अब हमें इस तरीके से थोड़ा सा पानी डाल देना है 2 बड़े चम्मच के हिसाब से। और इस तरीके से मेथी ले लेनी है और मेथी इस तरीके से डाल दूंगी। तो इस तरीके से मेथी बनाने से फ्रेंड क्या होता है, मेथी हमारी कड़वी बिल्कुल नहीं बनेगी, वो खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। तो अब इसको हम ढक देंगे करीब 3 से 4 मिनट के लिए, इस तरीके से ढक करके पकाएंगे। और उसके बाद ये मेथी मेरी इस तरीके से हो जाएगी कुछ। अब इसको कर देंगे हम मिक्स। और इस तरीके से अब मुझे मिक्स करने के बाद मीडियम आंच करके इस तरीके से, हाई मीडियम करके इस तरीके से 2 मिनट के लिए और पकाना है। तो ये देखिए, मैंने 2 मिनट बाद इस तरीके से खोल के देखा तो ये मेरी मेथी कुछ इस तरीके की हो गई है, मेथी आलू। तो अब इसको हम इस तरीके से मिक्स करके, अब हमें ढकना नहीं है, अब हमें इस तरीके से खुले में ही खुला रख करके इसको पकाएंगे करीब 2 मिनट के लिए। तो इस तरीके से हाई मीडियम करके आंच गैस की, इस तरीके से 2 मिनट बाद ये मेरी मेथी इस तरीके की हो जाएगी। तो इस तरीके से झटपट बन भी जाती है ये मेथी और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है फ्रेंड। तो फ्रेंड, मेरे घर पर इसी तरीके से बनती है और मैं खुद इस तरीके से बनाती हूँ और ये इतनी अच्छी लगती है खाने में। तो देखिए फ्रेंड, मेरी मेथी बन करके तैयार हो गई है, ये इतनी अच्छी लगती है सोया मेथी मिथोरी आलू की सब्जी। और ये इस तरीके से बनाने से फ्रेंड बिल्कुल कड़वी नहीं लगती है। तो नए नए तरीके से मेथी आलू की सब्जी बना करके खाइए। तो मेथी के तो बहुत फ़ायदे होते हैं, मेथी में काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन ए पाई जाती है और कई सारे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। तो सर्दियों में इसे ज़रूर बना करके खाएँ।
तो फ्रेंड मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।